व्हाट्सअप एवरीबडी, आशीष हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में बात करेंगे DJI Mavic Mini के कंट्रोलर के बारे में। जी हाँ, मैं तकरीबन पिछले एक महीने से या डेढ़ महीने से आई एम यूजिंग DJI Mavic Mini। और ड्रोन के बारे में बात करें तो इट्स अ फैंटास्टिक ड्रोन, और अभी तक इसकी जो परफॉर्मेंस रही है मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। मतलब प्राइस पॉइंट को कंसिडर करते हुए अगर बात करें तो DJI Mavic Mini को यू कैन नॉट कंपेयर विथ Phantom और Mavic Pro और एनी अदर मोर प्रोफेशनल और मोर एक्सपेंसिव ड्रोन। पर जिस प्राइस कैटेगरी में आता है और जो साइज के साथ ही आता है, आई एम वेरी 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 इंप्रेस्ड विद द परफॉर्मेंस। बट DJI Mavic Mini कंट्रोलर में ऑलरेडी आई हैव नोटिस्ड अ प्रॉब्लम, और आज उसके बारे में ही बात करेंगे इस वीडियो में। एंड आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ सॉल्यूशन, और उसका मैंने हल भी निकाल लिया है, वो भी आज बताऊँगा आप लोगों को। बड़ा सस्ता सा, आप कह सकते हो जुगाड़ लगा लिया मैंने, देसी सा जुगाड़ है, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज दी कंट्रोलर, DJI Mavic Mini कंट्रोलर। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, जब मैं फ़ोन को इस फ़ोन माउंट के अंदर लगाता हूँ तो ये फ़ोन के साइज़ के कारण आप देख सकते हैं ये फ़ोन का साइज़ इतना बड़ा है। और बात करें फ़ोन के साइज़ की तो मोस्ट ऑफ़ दी फोन्स दीज डेज या तो इतने बड़े हैं या इससे भी बड़े साइज़ के होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये तो चल भी जाता है, इससे बड़ा फ़ोन तो आप इसके साथ बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, जब मैं इसको यहाँ पे फ़ोन माउंट के अंदर लगा के इसके RC केबल को कनेक्ट करता हूँ तो इसका RC केबल ठीक यहाँ से, ये जो कटआउट बनाया ना, यहाँ से आना चाहिए, यहाँ से निकलना चाहिए, पर वो होता नहीं है। उसके वजह से क्या होता है, ये RC केबल आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ से ऐसे बाहर निकला रहता है और फ़ोन पूरी तरीके से फ़ोन के ऊपर इस माउंट का ग्रिप नहीं बन पाता है। और मेरे साथ एक दो बार ऑलरेडी हो चुका है व्हाइल आई वाज फ्लाइंग द ड्रोन, और मेरा फ़ोन बिल्कुल आधा में ऐसे लटक गया था। और मोस्ट ऑफ़ दी फोन्स यार आजकल बड़े ही आते हैं, तो सारे फ़ोन के साथ ये दिक्कत तो रहेगी। सो अब मैं बताता हूँ इस परेशानी का मैंने क्या हल और क्या जुगाड़ निकाला है, और बहुत ज़्यादा पैसे आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो भी चीज़ यूज़ किया है, लकली मेरे पास घर में सारी चीज़ें पड़ी। हाँ, एक केबल ज़रूर मैंने ऑर्डर किया है अमेज़न से, वो आप देख सकते हैं, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप अमेज़न से परचेज़ कर सकते हैं। तो अब मैं दिखाता हूँ कि मैंने इसका क्या जुगाड़ निकाला है। मैंने कि HPL की सीट लेके यहाँ पे इसके अंदर ड्रिल कर लिया है ऐसे, ये ऑलरेडी मेरे पास पड़ा था। मैंने एक ये क्वार्टर इंच का स्क्रू लिया है, ये ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ था, ये आप देख सकते हैं क्वार्टर इंच का स्क्रू है, जो मैं यहाँ से इसको यहाँ पे ऐसे लगाने वाला हूँ। और मेरे पास ये फ़ोन का माउंट पड़ा था, ये भी मैंने ख़रीदा नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी स्पेयर पड़ा हुआ था। इसको अब मैं यहाँ पे इस तरीके से लगा देता हूँ। और अब हमारे को क्या करना है दोस्तों, कि ये जो फ़ोन जहाँ पे हम लगाते हैं, इस फ़ोन की जगह पे हम इसको लगाने वाले हैं यहाँ पे इस तरीके से, और अब अपने फ़ोन को इसके ऊपर हम माउंट कर लेंगे। तो ये इस तरीके से हमने अपने फ़ोन को इसके ऊपर माउंट कर लिया है, और ये पूरा सेटअप तैयार हो गया दोस्तों। और ये ग्रिप भी काफ़ी अब बढ़िया बन गया है। इसका एक और एडवांटेज है, जब आप इसको बाहर सनलाइट में यूज़ करेंगे ड्रोन को, तो विजिबिलिटी, आपके फ़ोन की विजिबिलिटी की एक परेशानी रहती है, आप इसके एंगल को चेंज नहीं कर पाते हैं। अब इस माउंट के साथ अपने फ़ोन के एंगल को भी आप चेंज कर सकते हैं, तो थोड़ी बेहतर विजिबिलिटी आपको मिल जाएगी, और जो भी एंगल आपको चाहिए उस एंगल पे आप इसको सेट कर सकते हो। तो ये मेरा पूरा सेटअप है DJI मिनी कंट्रोलर में, जो प्रॉब्लम है उसको मैंने इस तरीके से फिक्स कर लिया है। प्रॉब्लम क्या है कि DJI की तरफ से जो ये कंट्रोलर का केबल आता है, रिमोट का केबल आता है, वो यहाँ पे नहीं लगा सकते आप, क्योंकि इसका साइज़ बहुत, इसका लेंथ बहुत ही छोटा है। जब आप इसको यहाँ पे लगाएंगे ये आपके फ़ोन तक पहुँचेगा नहीं। तो इसी के लिए मैंने वो केबल ख़रीदा है जिसका जिक्र मैंने किया था, ये वो केबल आपको अमेज़न पे या फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। ये केबल इतना लंबा है, और जो DJI की तरफ से केबल आता है ये इतना छोटा होता है, तो आप ये, आपकी परेशानी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी ये केबल के थ्रू। हमारा ये केबल की मदद से इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं ऐसे, ये देखिए कनेक्ट हो गया बड़े आराम से, और दूसरा एंड हमारे फ़ोन के अंदर कनेक्ट हो जाएगा, दूसरा एंड हमारा फ़ोन के अंदर ये कनेक्ट होगा। ये बन गया पूरा जुगाड़ आपका। सो दैट्स इट गाइस, आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।